तो अब दिखाने वाला हूँ मैं आप हमारा जो बाजरे का खेत है। हाँ बाजरे का खेत है वो दिखा के लाऊंगा। उसमें से बाजरा काट दिया अब तो कुछ भी नहीं है, वैसे कड़प रखी है। तो ये भाई हमारा वो खेत है जिसमें हमने वो बोया था, इसमें बाजरा लगाया था हमने। तो ये बाजरे वाला खेत है, इसमें अभी तो कड़प लगा रखी, कुछ भी नहीं है। और जो इसके आते हैं उनको बोलते हैं सरे, बाजरा आता है उसके वो सारे सरे होते हैं, जिसको इसमें छुपा के रखा हुआ है ताकि जानवर सके। ये देखिए ये रहा, ये है सरे। ये सरा है, इस तरह का होता है अभी बाजरा, और ये आता है तब इस तरह आता है। ये इसमें है नहीं, तो इसमें पिछली बार मैंने वीडियो डाला था उसमें सुहानी ने इसी खेत में गेहूँ काटे थे, मैंने वीडियो बनाया था, तो इसी खेत में सुहानी ने गेहूँ काटे थे। तो अभी जो ये खड़े हुए हैं इनको बोलते हैं हम कड़प। तो इसमें से सरे हटाने के बाद जो बचता है वो कड़प होती है, इसकी कुट्टी बनाई जाती है जो जानवर खाते हैं, भैंस डांडा इसको खाते हैं। तो इसको क्या अभी थ्रेसर में होकर निकलेंगे जो सरे है बाजरे के। और ये आपको दिख रहा होगा हमारा वाला बाड़ा, ये हमारा बाड़ा जिसमें मैंने अभी दिखाया था आपको पूरा व्यू। और अब चलते हैं उस बारे में जहाँ पर हम रहते हैं, उसको हम ओला बाड़ा बोलते हैं, उसका भी व्यू दिखा देते हैं आपको। और ये जो बाड़ा दिख रहा है आपको, ये मेरे दोस्त राम रूप का बाड़ा है। ग्राम रूप का बाड़ा है, उनके पिताजी है वो मटकी वगैरह बनाते हैं, तो मटकी रखी हुई है पहले की, अब वो लोग यहाँ वो रहती नहीं है अब। तो हमारा जो वाला बाड़ा वो आपको दिख रहा होगा सामने, कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, वो देखिए वो बच्चे खेल रहे, वो हमारा मेन बाड़ा है। कानो क्या खेल रही हो? ये तुमने खोल दी गन्ना में तो कानो गन्ना में पास है फिर नाव किसे तो बीमार तो हो रही है पहले गन्ना में तो है हैं। अरे 11 में खेल रही है तो नीम के नीचे खेलो, नीम के नीचे वो मत खेलो 11 पे गंदा होगा, तावड़ा मत खेलो।